हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। आप चाहें तो सर इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आराम से मत देखिए, चले जाइए। इस वीडियो में है क्या, हमने सर अभी जो आईसीए की जो नोटिफिकेशन आई, ऑप्ट आउट नोटिफिकेशन, उस पर बच्चों के कुछ कंसर्न्स थे, मैंने वो सुने, मैंने कुछ उस पर बोलने की कोशिश करी। और इसमें से किसी भी स्टूडेंट को आप हेट मत दीजिएगा, किसी भी स्टूडेंट को यार, सब बच्चे अपने अपने पॉइंट्स रख रहे थे, जैसे आप स्टूडेंट वैसे ये स्टूडेंट हैं, मैंने भाई कुछ अपने पॉइंट्स रखे हैं। और पॉजिटिव होकर इस वीडियो को देखिए। और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, एक दिन मुझे बिठा के समझाना पड़ेगा, क्योंकि कई अति दुखी आत्माओं को यही नहीं पता कि पॉजिटिविटी क्या होती है। खैर, उस पर अलग से एक वीडियो बना दी जाएगी आप लोगों के लिए, लेकिन अभी के लिए दिस इज़ नॉट अ नॉट एन सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियो, रादर ये आपका एक जनरल डिस्कशन है लगभग 10-15 बच्चों के बीच में, जो अभी हम लोगों ने किया था जूम ऐप के थ्रू। और जूम ऐप भाई चाइनीज़ ऐप नहीं है, बाकी आपको जो बोलना है बोल सकते हैं उसके बारे में। और भी मैं इस पर क्लैरिफिकेशन लेने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ चीज़ों पर मुझे भी डाउट है, तो मैं आईसीए को ज़रूर मेल लिखूंगा और आपके साथ शेयर करूँगा अगर उसका कोई रिस्पॉन्स आ जाता है तो। राइट, चलिए जी, थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। जिसने देखना है वो देखे, जिसने नहीं देखना है वो ना देखे। वन हम्बल रिक्वेस्ट, जितने भी लोग आ रहे हैं प्लीज अपना कैमरा ऑन रखिए। हाँ सर, अपना फेस सामने रखिए और कुछ सामने मत रखिए, ताकि हम लोग एक्चुअली में देख पाए कि रियल स्टूडेंट्स आर देयर। बांगी जी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। और मैं आप सबको 2 मिनट के लिए म्यूट कर रहा हूँ, आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके बोलना शुरू कर सकते हैं बाद में, ठीक है? यस सर। ओके गाइज, तो सबसे पहले एक छोटी सी डिक्लेरेशन कि भाई ये इन बच्चों को मैं नहीं जानता हूँ, रेंडमली मेरे पास इन्होंने रीट्वीट किया, मैंने सबको जो है वो मैसेजेस भेजने की कोशिश करी और लगभग हम लोग यहाँ पे 10-11 लोग इकट्ठे हो चुके हैं। राइट, और आज का मुद्दा ये है कि आईसीए ने जो भी नोटिफिकेशन निकाली है उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स दिखाई दे रहे हैं, क्या हम उसमें से जो है सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, कैसे हम लोग जो है उसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को और बातचीत करना शुरू कर सकते हैं। मैं भी यहाँ से भी आपको अनम्यूट एक बार कर देता हूँ। ग्रेट, सो कौन बताना चाहेगा अपने कंसर्न सबसे पहले? हाँ जी, मोहित, मोहित प्लीज बताइए, मोहित से शुरू करते हैं। प्रणाम सर, थैंक यू फॉर गिविंग दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंस्टीट्यूट ने सर, जब इंस्टीट्यूट में इतने सारे लोग, मतलब बहुत अच्छी पोस्ट में जो लोग बैठे हुए हैं, वो ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि एग्जाम कैसे कंडक्ट होना चाहिए, कब कंडक्ट होना चाहिए। सर स्टूडेंट्स के, मैं एकदम जो एक स्टूडेंट फील कर रहा होगा इस टाइम पे, मैं वो सोच करके आपको बता रहा हूँ, हम कैसे डिसाइड कर पाए सर कि जुलाई में हमें एग्जाम देना चाहिए या नवंबर में देना चाहिए। और सर एक बात ये होती है कि यदि स्टूडेंट ये सोच करके ऑप्ट करता है कि नहीं, और अपनी फैमिली वालों से करता है कि नहीं मुझे नवंबर वाला अटेम्प्ट ऑप्ट करना है बिकॉज हेल्थ इज फर्स्ट, तो सर अब बहुत लोगों की मेंटेलिटी बहुत अलग सी होती है, तो फैमिली वाले बोलेंगे यार तुमने पढ़ाई नहीं की होगी इसलिए तुम सोच रहे हो कि नहीं तुमको नवंबर वाला अटेम्प्ट ऑप्ट करना है। सर ये सारी चीजें, बहुत सी चीजें जो आ जाती है, इसके कारण से बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपके आसपास नॉइज हो रहा है तो अपने आपको म्यूट कर दीजिए, जब आपको बोलने की बारी है तब आपको अनम्यूट कर सकते हैं, अपने आपको म्यूट कर लीजिए अगर आसपास नॉइज है तो आपके, ठीक है जी। तो एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि पेरेंट्स को कन्विंस करना आपको लग रहा है थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, राइट मोहित? ओके, सो देखो यार, पहली बात भाई मेरे ख्याल से, मतलब ठीक है चलो, एक पॉइंट हो गया कि पेरेंट्स को कन्विंस करना मुश्किल हो पा रहा है। और कौन बोलेगा भाई, और कौन बोलना चाहता है, सेकंड पे कौन थे? यस ऋषिका, प्लीज स्पीक अप। हमारा एग्जाम सेंटर सर 350 किलोमीटर दूर पड़ता है जहाँ से हम रहते हैं। तो सर पेरेंट्स इस चीज के लिए एग्री नहीं हो रहे हैं, और ऑलरेडी रायपुर में बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, तो पेरेंट्स इस चीज के लिए एग्री नहीं हो रहे हैं सर कि हम जुलाई में एग्जाम्स जाकर दें। और अगर हम जुलाई में एग्जाम्स नहीं देते हैं तो सर क्या इससे, मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या इससे हमारे सीए फाइनल के अटेम्प्ट में भी डिले हो जाएगा? ओके, देखिए ये क्वेश्चन मैं यहीं पे एड्रेस करना चाहूंगा। अगर आप जुलाई में एग्जाम नहीं देते ना आप जुलाई में, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपके करियर पे कुछ भी इसका स्पॉट नहीं लगेगा। ये बात तो मैं आपको क्लैरिफिकेशन के थ्रू बिना आईसीए से पूछे बता रहा हूँ, क्योंकि एवरीवन नो के बहुत ही अनसर्टेन सिचुएशन में हम लोग जी रहे हैं आज की डेट में। अगर आप एग्जाम स्किप करते हैं करियर पे आपके कोई भी हाथ नहीं उठेगा, ये बात पक्की है, ये बात श्योर है। इस बात से रिलेटेड किसी के पास और कोई क्वेश्चन है इसी बात से रिलेटेड, करियर पे कोई दिक्कत लेने के लिए तैयार हूं अभी। इस बात जुलाई में एग्जाम देंगे तो सर हमारा सीए फाइनल का अटेम्प्ट कब हमको मिलेगा एग्जाम देने, सीए फाइनल का?
आप अभी सी फाइनल की अभी आप सी फाइनल के एग्जाम की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? सर अभी हम इंटरमीडिएट का एग्जाम अगर जुलाई में देते हैं तो हमको सीए फाइनल का अटेम्प्ट कब मिलेगा? हाँ, तो जो मतलब ये जो भी रूल होता है आईसीए का उसके अकॉर्डिंगली मिलेगा, और नवंबर में आप दोगे तो 6 महीने आगे मिलेगा, वो बात पक्की है। वो ये नहीं करेंगे कि आपने अगर जुलाई वाला स्किप करके नवंबर में दिया तो आपको इंटरमीडिएट का 6 महीने पहले देने देंगे, ये बिल्कुल नहीं करेंगे, राइट। लेकिन अगर आप ये आप एग्जाम छोड़ते हो, फॉर एग्जाम्पल सीए फाइनल में कोई है या इंटरमीडिएट में कोई है और वो एग्जाम छोड़ता है, तो आई एम श्योर कि उसके करियर पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी उससे पूछा नहीं जाएगा कि वो अपने पेपर क्यों नहीं दिए थे, राइट। वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होने वाला है, ठीक है ऋषिका? Yes, sir, thank you. आपकी एक प्रॉब्लम मुझे समझ आएगी, एग्जाम सेंटर बहुत ज्यादा दूर है और उसका वो एक इशू है, एग्जाम सेंटर एक इशू है, ठीक है जी। थर्ड चांस तनिष्क, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, अनम्यूट करिए। यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सर आई वुड लाइक टू मेंशन दैट आई वाज योर स्टूडेंट बैक इन 2016। अरे भाई, I studied tax from you and also the both fast track batches of strategic management and audit, so I know you very well. भाई मत बोलो, बोल लोग बाग बोलेंगे जान पहचान से बुलाया, प्रमोट कर रहा है। मुझे you clearly deserve this, you clearly deserve this. मुझे literally याद नहीं है, I'm really sorry. First of all, I'm really sorry. But भाई ये मेरा बुलाया हुआ बंदा नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ सबको, ठीक है? हाँ जी सर, there is no nepotism in what I can assure you of that. Sir, my concern basically with respect to this notification is that. With respect to this particular clause that ICAI will give out additional notification for the students who have not opted out. I mean, those students who have actually planned to give attempt in August, if ICAI, you know, they come out with additional notification that now exams are not going to get conducted, then I will be left in a, you know, nowhere to go, because I also have my CFA exams in December. If ICAI cancel this August attempt, I will have to let go of the November and December attempt as well. So my concern is that if ICAI is planning to conduct exams, please give me assurance that I can study well for my CA final exam. If they are going to cancel it, then please let us know. There should not be any uncertainty with respect to this. Until the notification was declared, I was feeling helpless but not hopeless. But now I am both helpless and hopeless, to be very honest. This notification, I mean, it has done more bad than good, according to me. Right. ओके, एक बार गाइस मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, जो नहीं बोल रहे होते हैं अपने आपको म्यूट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपकी आवाजें जो है वो आती है और बीच में स्पीकर की आवाज सुनने में दिक्कत होती है। तो तनिष का क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जहां तक मैं समझ पाया, तनिष ये पूछना चाहते हैं सर पक्का बताओ अगस्त में एग्जाम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो लो है ना, है तो भाई वो पक्का कर दो, फिर उसे कैंसिल मत करना, क्योंकि आप कैंसिल करोगे तो मेरे आगे के प्लान जो है डिस्टर्ब होने वाले, राइट? यस सर, वेरी राइट। तनिष्क, मैं इस बात का जवाब भी यहीं देना चाहूंगा, अभी मैंने पेरेंट्स वाली बात रुकी हुई है, एग्जाम सेंटर वाली बात रुकी हुई है, इस बात का जवाब भी मैं यहीं देना चाहूंगा, भाई कुछ नहीं पता। आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू कि कुछ नहीं पता, और सिर्फ आईसीआई को नहीं, मोदी जी को भी कुछ नहीं पता भाई। तो आप प्लीज, मेरे ख्याल से हम सब इस बात पे एग्री करेंगे कि सर्टेनिटी नाम की तो कोई चीज नहीं है। मैं आपको बताऊं, अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मैंने अपनी सोसाइटी का व्हाट्सएप ग्रुप ऑन किया, भाई मेरी सोसाइटी में केस आ गया, अभी जस्ट आपसे बात करने से पहले यहाँ मैं वीडियो डाल के उठा, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करी ऑडिट के, और मैं इसके बाद मैं अपना व्हाट्सएप देखना है, एक केस आगे बताओ क्या करूं। अब वो भाई उस पर डिस्कशन चल रही है, वो कहाँ गया था, आप समझ रहे हो मेरी हालत क्या हो रही होगी, साथ वाली बिल्डिंग में अगर केस है तो आता हूँ तो सर्टेनिटी है ही नहीं बिल्कुल भी। आईसीआई के जो लॉजिक लगा मुझे ये नोटिफिकेशन निकालने का, अब आपके मन में इससे सवाल उठ सकता है कि सर जब सर्टेनिटी नहीं है तो कैंसिल कर दो ना उठा के, नवंबर में ले लेंगे, ये एक ऑब्वियस क्वेश्चन आता है, और मेरे माइंड में भी आया कि भाई जब सर्टेनिटी तो कैंसिल करो उठा के, तो मैं तो ये कह रहा हूँ नवंबर की भी सर्टेनिटी नहीं है, एक बात। दूसरी बात दोस्त, बहुत ध्यान सुनना, आईसीआई का ये कहना है, एक्चुअली में ये कहना है कि भाई मेरे पास अगर आईसीआई रिकॉर्ड दिखा देता है आपको कि आईसीआई के पास 10,000 बच्चे हैं जो पेपर देना चाहते हैं, जो कह रहे हैं साहब मैं तो पेपर दूंगा, आईसीआई अगर उनको मना करता है तो कहीं ना कहीं ये उनके साथ गलत होता है जी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, प्लीज मेरे ओपिनियन नहीं है ये, आईसीआई का ओपिनियन है, कहीं आप मुझे कोट कर दो इसके ऊपर जाके के बोल रहा था इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो, तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, राइट। सो आई जस्ट वांट टू कन्वे दिस कि भाई ए सर, मैं आईसीआई ने नोटिफिकेशन निकाल के बोल दिया कि भाई देखो ऐसा है जुलाई तक तो पढ़ लो, 5 जुलाई से पहले 7 जुलाई से पहले कुछ पूछ मत लेना, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से पहले। दूसरी बात आईसीआई ने बोली कि उस टाइम पे फिर हम रीअसेस करेंगे सिचुएशन को, इट्स जस्ट लाइक ऑडिटिंग, आईसीआई इज गोइंग टू रीअसेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन जुलाई, राइट, एंड देन आईसीआई विल अप्लाई 330 रिस्पॉन्सेज टू द असेस्ड रिस्क। मैं यही कहूंगा आपको कि भाई आपके इस ईयर के जो प्लान्स है ना वो ऐसे रहने वाले डिस्टर्ब, सिर्फ सीए वाले नहीं, लोगों की शादी होनी थी, लोगों ने बाहर घूमने जाना था, लोगों के और बहुत बड़े बड़े फंक्शंस थे, उन सब में भी डिस्टर्बेंस आई है, ओलंपिक्स जैसे फंक्शन के अंदर, जो ओलंपिक जैसे इवेंट के अंदर जो डिस्टर्बेंस आई है। तनिष कुछ कहना चाहते हो भाई इस पे? यस सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वुड लाइक टू से दिस थिंग, आई एम अ रेजिडेंट ऑफ नॉर्थ दिल्ली, पर्टिकुलरली आई लिव इन दिस एरिया ऑफ गुजरावाला टाउन, एंड सर
I'll be very honest in saying this thing that it doesn't even feel like a lockdown in Delhi. If you move out and see, people are roaming around as if Corona never existed. You can agree with me on this. मैं अपने घर के बाहर रोड पे देखता हूँ तो ऐसा ही लगता है कुछ हुआ ही नहीं है, सब लोग अपना आ जा रहे हैं, बिल्कुल आराम से आ जा रहे हैं. Apart from that, my age is also increasing by the day. I will turn 22 on 11th of August. And on 11th of August, I also my direct tax exam, like if the exam. So I am in favor of the conduct of exams. नहीं ठीक है, आप सर्टेनिटी चाहते हैं, आपके लिए मैं ये बोलूंगा दो सर्टेनिटी नहीं है, लेकिन अब आप प्रिपरेशन पे लग जाओ. एटलीस्ट अब फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक तो आपकी छुट्टी, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. आप ये सोच के चलो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक एग्जाम हो रहे हैं, एंड लेटर ऑन जब आईसीए दोबारा भाई ऐसा कुछ करेगा तो फिर हम लोग दोबारा चर्चा करेंगे इस पे. तनिष की बात यहाँ पे कंप्लीट करते हैं. मोहित से बात हो चुकी है हमारी, जिंकेश आई होप जिंकेश ने आपका नाम सही लिया. एक एक करके सबसे बात करेंगे थोड़ा. हाँ जी जिंकेश प्लीज बताइए. ओके सर, गुड इवनिंग टू यू एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन. एक्चुअली सर माय केस इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन. मेरा केस थोड़ा सा अलग है. हाँ जी सर, मेरा टीवाई हो चुका है एंड राइट नाउ आई एम अ स्टूडेंट ऑफ थर्ड ईयर लॉ, मतलब थर्ड ईयर एलएलबी चल रहा है मेरा. एंड उसके साथ मेरा प्रैक्टिकली मैं एक्सपोजर ले रहा हूँ. प्रैक्टिकली आई एम ट्राइंग टू लर्न, मतलब लॉ इज द फील्ड दैट आई हैव चोजन. ओके एंड अलोंग विद दिस मैं आईपीसीसी दे रहा था अप टिल अ कपल ऑफ अटेम्प्ट्स. आई एम फ्रॉम ओल्ड कोर्स. ओके एंड दिस टाइम नो सर, इन मे मतलब मे 2020 में आईपीसीसी के और लॉ के मेरे एग्जाम्स दोनों कोइंसाइड हो रहे थे. तो आई ऑप्टेड आउट फ्रॉम आईपीसीसी कि मैं ना एग्जाम फॉर्म भरूंगा नहीं कुछ करूंगा. आई विल कॉन्सेंट्रेट ऑन द लास्ट सेमेस्टर ऑफ माय एलएलबी एग्जाम्स एंड आई विल ऑब्टेन द डिग्री. दैट इज व्हाट माय गोल वाज. एंड अभी सर कैसा हो गया है कि 5th मार्च, आई रिमेम्बर 5th मार्च वाज द डेट जब हमारे कॉलेज से हमको ये नोटिफिकेशन आने लगा कि शायद एग्जाम्स नहीं होंगे. एंड 4th मार्च वाज द लास्ट डेट टू फिल अप द एग्जाम फॉर्म. सो मैंने वो छोड़ दिया ना. 5th मार्च को किसी ने हमारे मतलब एक बहुत ही रिलेबल टीचर ने बताया कि ऐसा ऐसा शायद इस टाइम एग्जाम्स नहीं होंगे. तो आई ट्राइड टू कम्युनिकेट विद आईसीए कि मुझे और एक बार दे दो प्लीज चांस टू राइट द एग्जाम, बट उनके ऐसे क्लियर नो आ गया था. ओके सर, आई हैड मूव्ड ऑन विद इट. ठीक है, इट वाज माय डिसीजन एंड आई विल लिव हैप्पीली विद इट. आई विल कंसंट्रेट ऑन लॉ और प्रैक्टिकली मतलब जो भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा था लॉ रिलेटेड और वो सब पे फोकस करना था. नाउ टुडे व्हेन आई रेड दैट वन लाइन कि आईपीसीसी ओल्ड कोर्स विल बी एक्सटेंडेड टू नवंबर एग्जाम, तो वो एक वापस से होप, एक वो छोटा सा फायर वापस इग्नाइट हो चुका है. एंड टुडे आई एम फीलिंग लाइक व्हाट आई फेल्ट ड्यूरिंग द सीपीटी, ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन आफ्टर सीपीटी रिजल्ट कि हां मुझे और एक मतलब आईपीसीसी व्हाट आई वांट टू डू. एंड टुडे अगेन आई हैव दैट होप. ग्रेट, आपके लिए तो एक पॉजिटिव है मेरे ख्याल से. यस सर, दैट इज व्हाट माय केस इज डिफरेंट फ्रॉम एनीबॉडीज. एंड वन लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड टू दिस इज सर, मैं ना स्टूडेंट हूं, मतलब ना मुझे अभी कुछ एग्जाम से अफेक्ट हो रहा है. एंड आज तक, आज के नोटिफिकेशन तक मुझे नवंबर के एग्जाम से भी कुछ लेना देना नहीं था. मतलब बेसिकली मुझे सीए के कोर्स से ही लेना देना नहीं था, बट बिकॉज आई एम सीइंग द सिचुएशन हियर इन मुंबई, आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम सीइंग द सिचुएशन हियर, आई वाज ऑफ द ओपिनियन दैट एग्जाम्स ना हो तो बेटर है. और मैं आज सुबह तक कुछ एक्टिव नहीं था, कुछ ट्वीट नहीं कर रहा था, नथिंग. बट नाउ दैट आईसीए हैज एडेड दैट वन लाइन, नाउ आई मैं आपकी भावना बिल्कुल समझ गया हूँ. अब आप खुश हो गए हो कि चलो भाई मेरी तो मेरी सेटिंग हो गई. शायद, या शायद शायद ये सब तुम्हें ना बहुत गंदी नजरों से देख रहे हैं इस समय. ओके तो गाइज, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, आई थिंक मल्लिका के पास चलते हैं. आते हैं गगन आपके पास भी, आते हैं वन बाय वन चलते जाते हैं. मल्लिका प्लीज. हेलो सर. हाँ जी प्लीज बताएं. अच्छा एक नमस्ते सर. नमस्ते, एक एक बात मैं दोबारा पूछूंगा. मोहित सबसे पहले आपने बोला था, आप कौन सी स्टेट से हो मोहित, कहाँ गए भाई मोहित? सर धमतरी छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ से. और तनिष्क थे हमारे पास दिल्ली से, नॉर्थ दिल्ली से. नॉर्थ दिल्ली से थे, गुजरा वाला टाउन नॉर्थ दिल्ली सर. यस नॉर्थ दिल्ली. उसके बाद मेरे ख्याल से हमारे साथ ऋषिका ने बात करी थी. ऋषिका आप कौन से स्टेट से हैं? छत्तीसगढ़ से. हाँ जी मलिका, आप कौन से स्टेट से बताइए प्लीज. कर्नाटका सर. कर्नाटका. एंड जिंकेश यू आर फ्रॉम मुंबई. जिंकेश इज फ्रॉम मुंबई. ग्रेट. यस यस प्लीज टेल अस मलिका. हाय सर, आई एम अ बिग फैन सर. ऐसा लग रहा है सेलिब्रिटी से बात करने को मिल रहा है. प्लीज डोंट से दिस, इसमें आ जाते मुद्दे. सर तो मैं अभी कारवार में हूँ. कारवार इज अ टाउन नियर गोवा और मेरा एग्जाम सेंटर उड़पी में है. एग्जामिनेशन एग्जाम सेंटर इज इन उड़पी. ओके तो अभी यहाँ से वहाँ जाने के लिए भी प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम.
राइट, क्योंकि ट्रेन्स नहीं है, बसेस नहीं है, और वहां जाने के बाद भी हॉस्टल का एडमिशन तो कॉल्स नहीं उठा रहे पीजी वाले, और वहां पर भी ट्रांसपोर्ट का ही प्रॉब्लम है, मतलब वहां से एग्जाम सेंटर के लिए दो बसेस चाहिए, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी बहुत प्रॉब्लम है, तो अभी पता नहीं चल रहा है कैसे पढ़ाई करूं, प्रोडक्टिविटी कंसिस्टेंसी, राइट, तो ट्रांसपोर्टेशन अभी भी इशू है आपके हिसाब से, वहां पे चीजें नहीं खुली, आप ये कहना चाहते हैं जहां पर रहते हैं, जहां से आप सेंटर के पास पहुंचना चाहते हैं, ठीक है मल्लिका, मैंने डाउट लिख लिया है, अभी मैं क्या कर रहा हूं, जो डाउट्स मैं ऑन द स्पॉट में आंसर कर सकता हूं मैं आंसर करने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी डाउट्स मैं लिख रहा हूं, एंड आई विल मेक अ कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो ऑन दिस, राइट, और कुछ बताना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे? नो सर, थैंक यू, थैंक यू. गगन, ओवर टू यू. गगन, स्टेट बताओ भाई, कहां से हो? आपकी आवाज नहीं आ रही गगन. सर, आई एम फ्रॉम नागपुर, महाराष्ट्र. हां जी, बताइए सर. सर, पहले एक मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और ये जो मैं खुद प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर रहा हूँ उसके बेसिस पे. सर, मैं नागपुर से हूँ और नागपुर फुल्ली रेड जोन है और यहाँ पे मोर देन 1000 केसेस आ चुके हैं. ओके. तो सर, मैं जो डिसीजन आया है अभी ICAI का, इसके फेवर में हूँ. उसके लिए मेरे पास दो ओपिनियन है. पहला ओपिनियन ये कि मैं पर्सनली जब मैं मार्केट एरिया में रहता हूँ, जब भी मैं बाहर जाता हूँ, जैसे तनिष ने कहा कि मेरे को ऐसा फील ही नहीं हो रहा है लॉकडाउन है. और कोई मास्क प्रॉपरली नहीं पहन रहा है, सब चीन पे पहन रहे हैं अपने. तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम सेंटर से इन्फेक्ट होने का चांसेस कम है, रादर देन कोई एसेंशियल सर्विसेज के लिए बाहर जा रहा है, वो ज्यादा ससेप्टिबल है. आई हैव द सेम फीलिंग दिस पॉइंट के भाई, कोई भी ढंग से फॉलो नहीं कर रहा है, कहीं भी चले जाओ लोगों के मास्क यहाँ पे, किसी ने मास्क लगा नहीं रखा है. एनीवेज, प्लीज बताइए और बताइए. तो एग्जाम सेंटर में तो हम यही होप करते हैं कि ज्यादा रूल्स फॉलो होंगे, लाइक मास्क एंड सैनिटाइजेशन ऑन. तो मुझे लगता है कि अगर वो टाइम पे भी कराते हैं एग्जाम जुलाई में, तो आपकी ससेप्टेबिलिटी मार्केट से इन्फेक्ट होने की ज्यादा है रादर देन एग्जाम सेंटर. तो ये इस हिसाब से होना चाहिए. दूसरी बात यह है कि जब भी एग्जाम पास में आती है, नॉर्मली मैं मेरा भी बता रहा हूँ, तो जब पता होता है एग्जाम ये डेट पे होने वाली है, तो उस समय ज्यादा पढ़ाई होती है. तो हमें ये क्लैरिटी, मैं ICAI को थैंक यू करूंगा कि क्लैरिटी मिल गई, कि जो लोग ऑफ करना चाहते हैं उनको पता तो चल गया कि उनकी 29 जुलाई से हो रही है, तो अब वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे पढ़ाई पे. राइट, ठीक है. मेरे दो कंसर्न है पर इससे रिलेटेड. अभी हो क्या रहा है कि जहाँ पे केस निकल रहे जो एरिया में, वो पूरा सील हो रहा है, वो पूरा एरिया ही सील हो रहा है. तो कोई अगर एग्जाम सेंटर नहीं पर एग्जाम सेंटर के एरिया में कोई अगर केस निकलता है, तो अगर वो पूरा सील हो जाएगा, तो एग्जाम सेंटर भी किसी को एक्सेस नहीं रहेगा उस चीज का. तो मैं जो सिटी में रहता हूँ वहां पे 4 से 5 एग्जाम सेंटर रहते हैं. तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि जो एरिया में एग्जाम सेंटर था वो सील हो गया, पर दूसरे सेंटर जो है वो कंटेनमेंट जोन नहीं है और वो सील नहीं हुआ है, तो वहां पे ऑप्शन मिल जाए कि जो स्टूडेंट को जा पाए. दूसरी बात ये है कि ओल्ड कोर्स का स्टूडेंट अगर नवंबर में ऑप्ट करता है अभी, तो उसके लिए कोई क्लैरिटी नहीं है कि उसको मई में भी मिलेगा. जैसे मैं खुद ओल्ड कोर्स से, तो उसके लिए मेरे को नोटिफिकेशन से इंटरमीडिएट में भी मैं फाइनल में हूँ और मेरा एक ही ग्रुप बचा है. तो और मैं लोग जो मेरे को बोलेंगे क्रिटिसाइज करके, मैं उनको एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये सिचुएशन किसी के साथ भी आ सकती है. जैसे कई लोग ऐसे एक्यूज कर रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन निकाल रहे हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि हम खुद इन्फेक्ट हो गए और हमें क्वारंटीन में रहना पड़ा, तो ये सिचुएशन तो सर किसी के साथ भी हो सकती है. तो हमें अगर हमारा एरिया सील होता है पर हम खुद इन्फेक्ट नहीं होते, तब भी हमको जाने का मौका नहीं मिलेगा एग्जाम देने. तो ये चीज हमें भगवान का प्रसाद मान के एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है. आपको आपका जो आपने जो पहला पॉइंट बताया कि आपकी मार्केट प्लेस में या जनरल लाइफ में आपकी जो है आपको इन्फेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है रादर देन एग्जाम से, आपकी बात बिल्कुल ठीक है. एग्जाम में इशू पता किस तरह के आ रहे हैं, जैसे कि अभी मल्लिका ने बताया ट्रांसपोर्टेशन इशू है. सो ये भी एक इशू है, मतलब हो सकता है आपका सेंटर आपके घर के आसपास आ जाए या आपके घर के विसिनिटी में हो, लेकिन लोगों के सेंटर 100-100 किलोमीटर दूर. अभी जैसे मेरे ख्याल से ऋषिका ने भी पहले बोला था कि इनका सेंटर जो है वो काफी दूर पड़ता है, तो एक ट्रांसपोर्टेशन एक इशू है. मैं आऊंगा इस मुद्दे पे. जो अपनी स्टूडेंट वाली बात बताई, मैं आपको एक बात बता देता हूँ. मुझे जो लगता है, दिस इज माय ओपिनियन, ICAI से भाई मेरी कोई बात नहीं हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी बच्चे को फॉर एग्जाम्पल बीच में ही 2 पेपर देने के बाद 3रे पेपर में थर्मल स्कैनिंग में कुछ गड़बड़ निकली उसके साथ, राइट, या पता ही चल गया जी बच्चा इन्फेक्टेड है,
तो मुझे ऐसा लगता है आईसीआई उसको भी सीधा नवंबर में शिफ्ट कर देगा और उसकी फीस एग्जेम्पशन जो बेनिफिट उनको दिए जा रहे हैं जो लोग ऑप्ट आउट कर रहे हैं वो सेम बेनिफिट्स उस बच्चे को भी दे दिए जाएंगे इन द सेम वे। अगर कोई सेंटर का सेंटर कैंसिल हो जाता है तो भी आईसीआई को यही करना पड़ेगा। एक बात ये हो सकती है कोई इमीडिएट विसिनिटी में दूसरा सेंटर है जो चल रहा है पैरेलली तो वहां पे शिफ्ट कर सकते हैं। बट यस अनसर्टेनिटी है, आपके दोनों क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है। बस एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हमें उनके प्रति भी एम्पैथी रखनी है जिनके घर से सेंटर्स बहुत ज्यादा दूर हैं और उनके पास शायद अभी जैसे ट्रांसपोर्टेशन एक इशू है, सेंटर दूर होना भी इशू नहीं है, वहां पे अगर जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन मिले तो बच्चा फिर भी हिम्मत करके चल यार मैं मास्क लगा के या कुछ करके जाऊंगा, तो एक ट्रांसपोर्टेशन भी इशू है। और जो बच्चे ऐसी सिचुएशन में है जैसे कि ऋषिका मल्लिका और मेरे ख्याल से अभी एक दो लोगों ने और ही बताया था, उनसे मैं ये बोलूंगा कि आपको पॉजिटिव ये सोचना चाहिए कि वी स्टिल हैव 45 डेज और अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं ऑप्ट आउट नहीं करते हैं और एग्जाम नहीं देते हैं तो मुझे लगता है आईसीआई को बाय डिफॉल्ट आपको नवंबर दे देना चाहिए और वैसे भी जुलाई में आपको फिर मौका मिलेगा और मैं 100% श्योर हूं कि जुलाई 5 के बाद भी आपको एक बार फिर मौका दिया जाएगा क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी नहीं है कि एक बार में असेस हो जाए। अभी आज हम अगर 23 मार्च को देखें जब लॉकडाउन शुरू हुआ था आई थिंक सम 100 केसेस वर देयर, मेरे ख्याल से 100 से भी कम कुछ केसेस थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग राइट। अब आज आप देखो 300,000 केसेस हैं और 300,000 में अगर हम देखें तो रिकवरी शायद 160,000 के आसपास की हो चुकी है और कुछ ऐसे फिगर्स चल रहे हैं, तो उस समय बैठ के देखा जाएगा कि क्या करना है, आई एम श्योर उस समय देखा जाएगा। सो अभी इस पे मैं और भी कंक्लूजंस दूंगा। गगन आपकी बात मैंने कंप्लीट कर दी है, अब कौन बोलना चाहेगा भाई? हाँ ऋषिका आप बात ऐड कर दो जल्दी से कोई क्विक है तो लिखित फिर आपके पास आएंगे। एक्चुअली सर हमारे जो सिटी है उसके 30 किलोमीटर दूर आईसीआई का एक और सेंटर भी है पर वहाँ पे वो सिर्फ फाउंडेशन का एग्जाम लेते हैं। सर हम ये बोलना चाह रहे थे आईसीआई को कि अगर आप वहाँ पे फाउंडेशन का एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं तो आपको फिर वहाँ पे इंटरमीडिएट का भी ऑप्शन स्टूडेंट्स को देना चाहिए बिकॉज वी आर अराउंड 50 स्टूडेंट्स तो हम लोग यहाँ पे भी एग्जाम दे सकते हैं ताकि हमको ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम ना हो। राइट राइट। और दूसरी चीज सर हम हॉस्टलर्स हैं, आज ही हमने हॉस्टल पे कॉल किया और पूछा कि हमारे एग्जाम का डेट आ चुका है तो हमको हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल मिलेगी क्या करके, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, बोले जब तक गवर्नमेंट कोई गाइडलाइन नहीं देगी हम हॉस्टल नहीं वो कर सकते। और आईसीआई ने सर अभी का टाइम दिया ऑप्ट आउट करने के लिए, तो सर जब तक उधर से क्लियर नहीं हो रहा है तब तक हम हमारा स्टैंड कैसे क्लियर कर दे कि हमें क्या करना है, तो ये भी एक इशू जा रहा है क्योंकि हमको कोई फैसिलिटीज अभी भी मिल नहीं रही है। मैं ये बोलना चाहूंगा बेटा, मैं ऑनेस्टली बोलना चाहूंगा अगर आपका 1-2% पहले तो ना इसमें क्लियर हो जाते हैं कि सर किसका मन है पेपर देने का किसका मन नहीं है बिकॉज ऑफ दी हेल्थ इश्यूज। सो जिनका जिनके घर में बिल्कुल भी थोड़ा सा भी हेल्थ इशू है पेरेंट्स के साथ या उनके खुद के साथ, मेरी एज अ एल्डर ब्रदर मान लीजिए, टीचर मान लीजिए, जो भी आप मुझे मानते हो वो मान लीजिए, मेरी सिर्फ ये रहेगी कि भाई प्लीज पेपर मत दो क्योंकि हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी भी और आपके परिवार वालों की भी। मैंने कई बार ये बात बोल दी, कई बार ये बात लिख भी दी है, 1-2। लेकिन जिस व्यक्ति का 1% मन है कि सर मैं पेपर देना चाहता हूँ, मेरी उससे हम्बल रिक्वेस्ट है कि ऑप्ट आउट मत कीजिए। जो भी व्यक्ति पेपर देना चाहता है 1% भी उसका मन है, वो कहता नहीं सर मेरी स्कूल ठीक है, मेरे घर में कोई इशू नहीं है, मेरी सिटी में भी मुझे कोई इशू नहीं दिख रहा है, आप ऑप्ट आउट मत कीजिए। ऑप्ट आउट आप नहीं करेंगे इसका मतलब आप आईसीआई के साथ रजिस्टर्ड है एग्जाम के लिए, और अगर 5 जुलाई को आईसीआई खुद ही बोल देता है तो ऑटोमेटिकली आप नवंबर में शिफ्ट हो जाएंगे। अगर आईसीआई मान लो 5 जुलाई को आता कहता है एग्जाम नहीं लूंगा मैं, तो बहुत बढ़िया सर, हम लोग ऑटोमेटिकली नवंबर में शिफ्ट हो जाएंगे। आईसीआई तब भी कुछ नहीं कहता, मैं कहता हूँ बने रहो। आई एम श्योर जो बच्चा एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के बाद एग्जाम नहीं दे पाएगा आईसीआई उसको भी कंसिडर करेगा नवंबर के लिए। मैं ये बात अपने मन से बोल रहा हूँ, आईसीआई का इस पर कोई ओपिनियन नहीं है, बट मैं आपके पॉइंट लिख रहा हूँ और मैं आगे जरूर फॉरवर्ड करूंगा वीडियोस के थ्रू, राइटअप्स के थ्रू, जरूर मैं आईसीआई की बात पहुंचाऊंगा। राइट ओके। हाँ जी, अब कौन बोलने वाला है जल्दी से बताइए। हाँ लिखित आप बोलने वाले थे, प्लीज। सर गुड इवनिंग सर, आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश। यस प्लीज टेल मी। करंटली माय डिस्ट्रिक्ट टॉप्स इन द होल आंध्र प्रदेश, इट क्रॉस 1000 केसेस टुडे एंड एग्जैक्टली आई एम इन मिडिल ऑफ द रेड जोन ऑलरेडी इन ऑल द विसिनिटी स्ट्रीट्स मोर देन 10 केसेस आर रिकॉर्डेड इवन इन माय फैमिली 6 मेंबर्स हैव बीन ट्रीटेड फॉर कोविड एंड रिकवर्ड होपफुली एंड नाउ सिचुएशन इज माय एग्जाम सेंटर इज विद इन 1 किलोमीटर but I am not allowed to go outside of this red zone because everywhere there are fences and again and the district officials are saying that this situation is going into be there up to for 1 month if during the exams it was continued to be red zone then what's my situation whether I will be able to attempt the exam or ICI will say that you should not attend because you are from red zone right. then it will be differentiation there differentiating us right sir
the green zone, orange zone. And one more thing is, and wearing a mask while writing exam is absolutely not right. For 3 hours, it's not state exam. It's only, it's a ICI exam, CA exam. No person will be in, mentally able to wear a mask for 3 hours. And that too for elective paper, 4 hours. Right. I hope some people will die there itself while wearing mask. No, no, please don't say like this. Bye. अभी हम ऐसा होने नहीं देंगे ना, चिंता क्यों कर रहे हो? एक बात तो भाई आपकी बिल्कुल सही, do you understand Hindi? Yes sir, I can understand Hindi. Great. So, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है साहब कि अगर आप रेड जोन में हैं या किसी, पहले तो ये बात मेरे को बिल्कुल सही लग रही है, आप लोग भी बताइएगा कि हमें ऑप्ट आउट अभी नहीं करना चाहिए. लेट्स वेट एंड वॉच, लेट्स वेट एंड वॉच. दो तीन दिन बहुत कम है यार, दो तीन दिन में आपके शहर में कुछ नहीं बदलेगा. हाँ, आने वाले एक महीने में आपके शहर में आपके आसपास चीजें बदल सकती हैं. सो अभी के लिए आई विल सजेस्ट यू कि प्लीज ऑप्ट आउट ना करें, बने रहें. आपकी जो भी स्टेटस है आप बने रहें उस पे. अपना एग्जामिनेशन सेंटर जो आप चेंज करना चाहते हैं उसका आपको जो मौका मिल रहा है, प्लीज वो एग्जामिनेशन सेंटर जरूर चेंज कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंगली. देन उसके बाद लेट्स वेट, लेट्स वेट एंड स्टडी. लेट्स वेट एंड वॉच नहीं, लेट्स वेट एंड स्टडी. Let ICI announce something on July 7 or July 5th, जो भी वो first week उन्होंने बोला है, उसमें उनको announce करने दीजिए, okay? लेकिन opt out अभी मत कीजिएगा. लेकिन one more thing, आपका जैसा case है कि आपके पास red zone है और अब आगे वो एक महीने तक रहने वाला है, so I will suggest कि आप बिल्कुल opt out ना करें, जैसे मैंने सबको बोला, और बने रहें वहाँ पे. आप कुछ बोलना चाह रहे थे, please. Sir, again, the MCHA guidelines suggest that you should provide transportation and you should increase the centers and you like the social distancing should be maintained. The main thing is transportation, sir. I have my friends, I am asking the question from my friends' behalf. There are because in Andhra Pradesh there are only 7 centers. Right. And from each center, people should come nearly 200 to 300 kilometers. Right. That's the main issue, sir. They should travel from there. Again, transportation is also not working properly inside the AP also. Right. Got your point. So, transportation वाला issue मैंने लिख लिया है, मैं जरूर आगे forward कर रहा हूँ कि transportation में बच्चों को दिक्कत लग रही है. और दूसरा आपने भी एक बात और बोली थी, मेरे से skip हो गई, transportation बताया था और दूसरा आपने कुछ और बोला था. Like red zone, they are not allowing us to go outside this red zones. And mask. हाँ, mask वाला issue भाई बिल्कुल serious issue है. मुझे लगता है जो बच्चे कॉन्शियस हो जाएंगे ना मास्क को लेके, उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम होगी. जो पहनते आ रहे हैं, जैसे मैं कभी नीचे जाता हूँ मास्क लगा लेता हूँ प्रॉपरली, तो शायद मुझे उतना ऑड ना लगे, लेकिन जो फर्स्ट टाइम वहाँ पे जाके मास्क लगा के 3 घंटे, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी टफ. क्योंकि आप जब पेपर दे रहे हैं, मैं समझता हूँ आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है, आपकी सांसें बढ़ रही होती हैं, तो मैं आपकी बात समझता हूँ. और इसका मेरे पास एज सच अभी देने के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है. देखते हैं, इस पर भी एक बार बातचीत करते हैं कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है. हाँ, आपका पॉइंट था कि सोशल डिस्टेंसिंग. सो आई एम टेलिंग यू, ICI इज इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेंटर्स. वन टू, आपके क्लासरूम में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो भी हाफ होने वाले हैं. तो अगर पहले फॉर एग्जांपल 24 स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम थे, अब वो लगभग 12 या 16 के बीच में रह जाएंगे. ये बात मुझे अनऑफिशियली पता चली है. तो सोशल डिस्टेंसिंग इज गोइंग टू बी देयर फॉर श्योर. ट्रांसपोर्टेशन इज एन इशू फॉर श्योर. हाँ जी, किसके पास चले अब? सर, शुभांगी को चांस दे देते हैं. शुभांगी. हाँ यस सर. सर, मैं ये कहना चाह रही थी, पहले तो मैं वेस्ट दिल्ली से हूँ. हाँ जी, हाँ जी शुभांगी जी. और मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे अगर हम ट्रांसपोर्टेशन पे, ठीक है, अगर किसी के एरिया में ट्रांसपोर्टेशन अच्छी है, बट अगर हम उस पे बिलीव करके चले भी जाएं, तो ये कैसे हो सकता है कि लोग वहां पे हमारे जैसे फॉलो कर रहे होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे होंगे, मास्क वगैरह वेयर कर रहे होंगे, सैनिटाइजेशन पे यू मतलब सब कुछ, और सेंटर तक जाते जाते मतलब हमने पूरी प्रिपरेशन किया, सब कुछ किया, और सेंटर तक जाते जाते हम इफेक्ट हो गए. Then उसके बाद हम घर आए, हमें कुछ नहीं पता है हमारे इफेक्ट से, और हमारी फैमिली पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है, तो उससे हम मतलब कैसे क्या करेंगे? राइट, राइट शुभांगी. और सबसे बड़ी चीज लिखित ने सबसे बेस्ट चीज बोली कि मास्क वेयर करके 3 आवर्स तो हमारे एग्जाम के हो गए, देन ट्रेवलिंग टाइम का आना और जाना मिनिमम हम माने तो 5 आवर्स तो मिनिमम हर स्टूडेंट को मास्क वेयर करना ही पड़ेगा. तो मतलब 5 आवर मास्क वेयर करना, ये बहुत एक क्रिटिकल सिचुएशन बन जाएगी. Right. बिल्कुल ठीक है. और खासकर उस व्यक्ति के साथ जिसको कोई रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं पहले से. यस सर, जस्ट लाइक थायराइड हो गया, अस्थमा हो गया, ऐसे कई बच्चे हैं. मैंने शुभांगी आपका पॉइंट लिख लिया, लास्ट में बिल्कुल जवाब दूंगा. मैंने आपका पॉइंट लिख लिया बेटा, ठीक है. यस सर, ओके सर. आपका एक पॉइंट है कि ट्रांसपोर्टेशन में अगर मुझे कुछ हो जाता है, फिर मैं घर पे आके स्प्रेड करूंगी उसको, तो उसमें बड़ी दिक्कत होने वाली है. और दूसरा मास्क वाला आपने लिखित का पॉइंट जो है वो उसको सपोर्ट किया है. बहुत बढ़िया, ग्रेट. अब चलते हैं लखन के पास. लखन कहां चला गया हमारा भाई? हेलो. हाँ, हो कहाँ तुम? हाँ ठीक है लखन, प्लीज बताएं. यस सर, ऑडिबल आवाज आ रही है? यस यस बिल्कुल आ रही है.
सर गुड इवनिंग टू एवरीवन और लेट मी क्लेरिफाई फर्स्ट कि मेरा अटेम्प्ट नवंबर में ड्यू है आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट हां दुष्ट बोलो बट सर आई एम रियली कंसर्न्ड अबाउट अदर स्टूडेंट्स जो कि ट्विटर पे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम एंड ऑल तो हमारे भी जो सोशल नेटवर्क्स मतलब मेरे भी जो नेटवर्क ग्रुप्स है उसके अंदर भी बहुत सारों के सीनियर्स के एग्जाम्स ड्यू है बट मोस्टली कंसर्न्ड इसलिए आई वाज थिंकिंग टू जॉइन द मीटिंग बस इतना सा मतलब कुछ पॉइंट्स थे कि जैसे बहुत सारे बच्चों का ये इशू था कि या तो दो ही ऑप्शन हो सकते थे आईसीए के पास या तो कैंसिल कर दो या फिर एग्जाम होंगे बिकॉज आईसीएसआई हैज पोस्टपोन्ड द एग्जाम्स क्योंकि उनका स्लॉट बुक हो चुका था तो आईसीआई फर्दर कैन नॉट पोस्टपोन इट क्योंकि फिर वो मतलब ही नहीं है तो फिर नवंबर का फिर जनवरी चले जाता फिर बहुत इशू हो जाते सो ये मेन इशू था बच्चों का कि या तो एग्जाम्स करवा दो या कैंसिल करवा दो हमको बता दो कि जो भी क्लैरिफाई कर दो आप तो आईसीआई ने एक तो अच्छा किया कि नोटिफिकेशन निकाल दिया आप ताकि आप बच्चे 15 दिन तो कम से कम इस उसमें रहेंगे कि एग्जाम हो रही है हमको पढ़ना है एंड द नेक्स्ट थिंग इज देर आर वेरियस इश्यूज जो सबने बताया ट्रांसपोर्टेशन मास्क को नहीं पहन सकते ऑब्वियसली एंड आई एम फ्रॉम मनासा मध्य प्रदेश नीमच मंसूर राइट सो सिचुएशन इन अवर एरिया इज वेरी गुड इट इज अंडर कंट्रोल एंड मेरी बड़ी मम्मी जो है शी इज अ गवर्नमेंट टीचर तो उनकी अभी 12th बोर्ड की एग्जाम्स हुई है अभी जस्ट हो रही है मध्य प्रदेश बोर्ड की ओके एंड एवरीथिंग इज गोइंग फाइन हियर मतलब आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है थर्मल स्कैनिंग वगैरह सैनिटाइजर्स एंड एवरीथिंग इज गुड मतलब अगर वो एग्जाम्स हो सकते हैं बिकॉज इन बोर्ड एग्जाम्स लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स आर सिटिंग तो नेशनल बॉडी में भी बहुत सारे बच्चे बैठते हैं तो मतलब अगर एग्जाम्स होती है तो दे विल बी हैपनिंग विद प्रॉपर फंक्शनैलिटीज लाइक डिस्टेंसिंग एंड ऑल बट अब बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है एंड स्टूडेंट शुड टेक अ ऑप्शन कि हमको देना है या नहीं देना दे शुड क्लेरिफाई इट इन देमसेल्व्स उनको ये नहीं रखना है कि हम देखते हैं अगर वहां पे चले गए हो गया तो नहीं हुआ तो क्योंकि सर उससे और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन बच्चों में हो जाएगा या तो आप दो या ना दो मैं उनको डिसाइड कर लेना चाहिए लखन ये बोलना चाहते हैं ठीक है यस सर राइट ग्रेट पायल पायल से बात करेंगे फिर मिहित के पास ऐश्वर के पास आएंगे एंड देन ऋषभ ऋषभ यू आर आल्सो रिमेनिंग एंड अभिषेक इज आल्सो रिमेनिंग और कौन कौन बच गए मेरे ख्याल से सब हो गए ऊपर जितने भी लोग हैं ऋषभ अभिषेक ऐश्वर ऐश्वर आपका नाम आई होप सही एंड पायल पायल प्लीज स्टार्ट करिए हां जी मिहित आपसे बात करेंगे सर मैं सीए फाइनल की स्टूडेंट हूं कौन सर मैं सर असम ओके बताइए बताइए सर मैं सीए फाइनल की स्टूडेंट हूँ मैंने सारे एग्जाम्स अपने दिल्ली से दिए हैं मॉडल टाउन से राइट तो सर प्रॉब्लम ये है कि सर मैं लॉकडाउन से पहले पहले घर आ गई राइट और यहाँ से जो नियरेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर है दैट इज इन गुवाहाटी एंड दैट इज लाइक 270 किलोमीटर अप्रोक्स और सर मुझे लगेंगे 5.5 घंटे सेंटर पहुंचने के लिए और फिर मैं अप डाउन तो कर नहीं सकती वहां से पर चूंकि एग्जामिनेशन हर डे होगा हर दूसरे दिन होगा तो अप डाउन करने का ऑप्शन है नहीं सर और वो जगह मेरे लिए गुवाहाटी बिल्कुल नहीं है क्योंकि मैं कभी भी गुवाहाटी एज इन गई नहीं जबकि मैं आसाम में रहती हूँ बट मैं कभी गुवाहाटी ट्रैवल नहीं कर चुकी हूँ और सर मुझे वहाँ पे पीजी फैसिलिटी फूडिंग फैसिलिटी जगह भी नहीं और वहाँ पे जो अभी पास 7 दिनों से COVID-19 केसेस आ रहे हैं मुझे नहीं पता कि सर मैं वहाँ पे जाके एग्जाम्स दे पाऊंगी और मेरी फैमिली अलाउ करेगी जबकि मुझे एग्जाम्स देने हैं राइट ठीक है पायल ठीक है आपका डाउट मैंने लिख लिया मेनली आपका भी डाउट और सर एक इशू और है अगर सर मैं अभी एग्जाम्स ऑफ के लिए ऑप्ट आउट नहीं करती हूँ और बाद में मुझे पता चलता है कि मैं एग्जाम्स नहीं दे पा रही हूँ गुवाहाटी जाके तो सर मेरा तो अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा फिर ओके ये कंसर्न जो मुझे लगता है अगेन दिस इज माय ओपिनियन आईसीआईसीआई से हम ऑफिशियली बात करेंगे डेफिनेटली मैं मेल लिखूंगा आईसीआईसीआई को इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो भी बच्चा अभी एग्जाम के लिए रजिस्टर रहता है और वो ऑप्ट आउट नहीं करता है और वो बाद में जेन्युइन रीजन की वजह से किसी कारण की वजह से एग्जाम नहीं दे पाता है तो मुझे नहीं लगता कि आईसीआईसीआई उसको रोकेगा आईसीआईसीआई उसको भी नवंबर के लिए जो है वो आगे शिफ्ट कर देगा अगेन मैं बोल रहा हूँ ये आईसीआईसीआई नहीं बोला ये मैं बोल रहा हूँ और इसमें मैं क्लैरिफिकेशन लेके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा पक्की बात या तो आईसीआईसीआई खुद नोटिफिकेशन निकाल देगा अगर उनको लगेगा कि बच्चों के इन चीजों के लिए बहुत डाउट्स आ रहे हैं या फिर मैं आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करूंगा और सर आईसीआई थोड़ा सा रहने का और खाने का अगर हेल्प कर सकते हैं गुवाहाटी में तो क्योंकि प्लेस टोटली नहीं है सर टोटल
बट लेट्स नॉट एक्सपेक्ट इट किसी भी हाल में. तो सर इतना दूर सेंटर से मैं एग्जाम्स कैसे दूंगी? मैं आता हूँ इस बात पे, मैं आता हूँ बिल्कुल आता हूँ. मैं शुभांगी का भी डाउट. सर एक एक चीज और है सर कि मैं अभी फर्स्ट ग्रुप देने वाली हूँ सीए फाइनल का. सेकेंड ग्रुप मैंने सोचा मैं नवम्बर को दूंगी सर, लेकिन मेरी क्लासेस कम्प्लीट नहीं है. तो अगर मैं ये अटेम्प्ट देती हूँ तो फिर मेरे क्लासेस के लिए बहुत कम टाइम बचेगा डीटीआईडीटी नवंबर के लिए. राइट. वो भी एक इश्यू है सर. नवंबर क्लासेस के लिए टाइम कम बचेगा. ठीक है जी. पायल जी सुन लिया हमने आपको. अभिषेक के पास चलते हैं. अभिषेक लाइन से चलेंगे. अभिषेक ऐश्वर्य मेहित एंड ऋषभ. ऋषभ भाई आराम से सुनेंगे तुम्हें बिल्कुल लास्ट में. ठीक है. हाँ जी अभिषेक प्लीज. अभिषेक आर यू देयर? आई थिंक ऐश्वर्य आप अभिषेक आ गए शायद. ऐश्वर्य आप शुरू कीजिए. अभिषेक सर मैं ऑडिबल? Yes, you are audible, please. Sir, hello, I am a CA final student and I am from Indore, Madhya Pradesh. Okay. Sir, basically दो चीज है. पहली चीज मैं clarify करना चाहूंगा, जो सर अभी मनासा से जो थे नीमच से, उन्होंने बोला कि MP board की exam हो रही है and all is going well and good. तो सर उसमें एक चीज यह है कि जैसे कि अभी 10th board and 12th board की exam MP में करवाई है एंड दूसरी मतलब उसमें ये चीज हुई है कि जैसे आज आया है कि देवास करके एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे केसेस आ गए हैं, मतलब जो बंदे एग्जाम देने गए थे वो पॉजिटिव आ गए हैं एंड अब आज ही वो चीज बाहर आई है. तो वो ठीक है, वो आगे प्रोसीजर क्या रहेगा तो वो हमें भी नहीं पता, लेकिन ठीक है उसमें हमको क्लैरिफिकेशन अभी क्या होने वाला है यू डोंट नो कि आगे उनके एग्जाम कैसे कॉन्डक्ट कराएंगे, कैसे क्वारंटाइन करेंगे. तो दूसरी चीज ये मेरी ये थी कि जैसे कि मैं अभी इंदौर में हूँ एंड इंदौर में भी केसेस काफी ज्यादा है एंड मुझे जैसे हमें ये पता है कि दो हमारे जहाँ पे सेंटर्स है वो क्वारंटाइन जोन में ऑलरेडी आ चुके हैं. तो फॉर सेफर साइड इफ आई ऑप्ट कि मैं कोई आसपास का एरिया मान लीजिए, जैसे अगर मेरे आसपास के कोई डिस्ट्रिक्ट जहाँ मैं ट्रैवल कर सकता हूँ वहाँ मैं एग्जाम सेंटर ऑप्ट करता हूँ. बट फिर आईसीआई ने क्लॉज डाला है कि वो एट द एंड देखेंगे कि उस एरिया में कैसा सिचुएशन है. अगर वो कंटामिनेटेड जोन में आ जाएगा तो हम उसे वापस आपको नवम्बर साइकिल पे शिफ्ट कर देंगे. तो सर वो हमको उस चीज की सर्टिनिटी आएगी कैसे, जैसे हम सेंटर चेंज भी करें बट अगर आगे जाके होता है कि जो हमें सेफ अभी लग रहा है वो आगे जाके कंटामिनेटेड हो जाए तो देन सर व्हाट इज द क्लेरिफिकेशन उसका, फिर कैसे होगा? उसमें मैं यही बोलना चाहूंगा, देखो अगर आसपास दो तीन सेंटर्स हैं जैसा आप बता रहे हो कि आसपास के डिस्ट्रिक्ट में आप सेंटर ऑप्ट कर सकते हो और ये बड़ी अच्छी बात है कि वहां पे ट्रैवल भी कर पाओगे और आपका अकोमोडेशन वगैरह भी अरेंज हो जाएगा. तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा पहले भी हुआ है, नॉट इन कोविड ओनली, ऐसा पहले भी हुआ है कि आईसीआई ने किसी पेपर के लिए, किसी स्पेसिफिक पेपर के लिए सेंटर चेंज कर दिया या आने वाले जितने पेपर बचे उसके लिए सेंटर चेंज कर दिया. ऐसा पहले हुआ है. सो अगर ऐसा कुछ होता है कि आईसीआई को लगता है यार ये सेंटर अब सेफ नहीं है तो आईसीआई आपको प्रॉपरली अनाउंसमेंट के थ्रू बताएगा और आईसीआई बताएगा तो भाई मैं भी बताऊंगा अनाउंसमेंट के थ्रू कि आपका एक पर्टिकुलर जोन का जो है सेंटर चेंज हो रहा है. और ऐसा पहले भी हुआ है, चाहे फ्लड की वजह से हुआ हो या अर्थक्वेक की वजह से हुआ हो या किसी और कारण की वजह से हुआ हो, तो उसके आप चिंता मत करिए. अगर सेंटर में कोई चेंज आईसीआई करेगा अपने लेवल पे तो वो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा हर तरीके से, मैसेजेस से, नोटिफिकेशन से, हर तरीके से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा. ठीक है जी. ऋषभ आ गए, कहाँ थे हमारे वो भाई साहब? अभिषेक प्लीज. अभिषेक आप बताइए. हाँ जी इंटरनेट इशू इज देयर. अभिषेक आप म्यूटेड हैं. Yes, हाँ जी बोलिए. Am I audible? Yes. Good evening everyone. Sir, I am from Bhubaneswar. Sir, first of all, I like to say कि sir, I agree to ICI कि उन्होंने the onus of taking a call वो हम students के ऊपर रख दिया है कि whether हम अपने situation के हिसाब से decide कर सकें कि हमें exam देनी है कि नहीं. Sir, as of now, अगर मैं Bhubaneswar का situation के बारे में discuss करूँ तो sir यहाँ पे cases अभी धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं. बिकॉज मूवमेंट है लोगों का, बट एज पीपल आर ट्रैवलिंग एंड फ्लाइट्स वगैरह हो रहे हैं तो लोग यहाँ पे ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं. तो द थिंग इज कि उन्होंने डेट रखा है कि यस सर केसेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सर अगर सपोज करिए अब उन्होंने डेट रखा है 25th तक हमें डिसाइड करने के लिए कि हम एग्जाम दें या ना दें अगस्त वाली अटेम्प्ट, बिकॉज मेरी ग्रुप 2 बाकी है सर. तो सर अगर बाय चांस अभी जैसे ये ग्रीन जोन है एंड वो रेड में कन्वर्ट हो जाए एग्जाम के टाइम तक, सो व्हाट, और मैंने अभी ऑप्ट इन कर लिया सर तो मेरा तो अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा ना सर. ओके बहुत बढ़िया.
देखो यार, मैं फिर से इस वाले पे तो यही बोलूंगा अभिषेक, अगर आप अभी ऑप्टेन कर लेते हैं और पेपर नहीं दे पाते हैं बिकॉज ऑफ द चेंजिंग ऑफ द कैटेगरी ऑफ योर जोन, कि भाई वो रेड से ऑरेंज या ऑरेंज से रेड जो भी आप हो गया वो, तो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा दोस्त। ये मैं आपको बहुत आराम से बता रहा हूँ कि अगर आपकी वजह से नहीं, अगर आप, और मैं तो यहाँ तक ये कहने को तैयार हूँ, अगेन आईसीएआर नहीं कह रहा है, मैं कह रहा हूँ कि आप किसी भी कारणवश अगर पेपर नहीं दे पाते हैं ये वाले ऑप्ट इन करने के बाद भी, तो मुझे नहीं लगता आपका अटेम्प्ट काउंट होगा क्योंकि आपने पेपर ही नहीं दी। और अगर आपको बीच में, मैंने ये बात भी बोली, अगर आपको बीच में आप पेपर देने गए, दो दिन बाद आकर आपके थर्मल स्कैनिंग में आपका फीवर निकल आता है और आप पेपर नहीं देते अगले, तो भी आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। मेहनत खराब होगी, अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा, राइट? ये बात मैं बिल्कुल क्लियर क्लैरिटी के साथ, क्योंकि ऐसे कोई करना पड़ेगा नहीं तो भाई फिर से दिक्कत होगी बच्चों को। ठीक है अभिषेक सर? हाँ जी, लेकिन प्लीज, हाँ जी, यस सर, थैंक यू सर। राइट, ऐश्वर्य आपसे तो बात हो गई थी, आई थिंक अब हमारे पास मिहित से बात कर लेते हैं। मिहित को नींद आ रही थी बड़ी जोर से। हाँ जी मिहित, बताएं। नहीं सर, नींद नहीं आ रही थी। हाँ बताओ। गुड इवनिंग सर। सर पहली बात तो मेरा सर ये, मैं कलकत्ता से हूँ, हावड़ा वेस्ट बंगाल प्रिसाइसली। And my district has been in the names for some very bad reasons because of some improper administration by the state authorities. So the cases in my district are quite high. And having said that, sir, अभी recently हमारे जो chief minister है उन्होंने announcement भी करा था जो कि schools in West Bengal will not be allowed to open until the month of July. Right. Now, having said that, from what I understand, from the notification that the institute has given us, sir, I believe that the exams would go on irrespective of anything. Yes. Now, it is up to the students to decide if they want to give the exam or if they don't want to give the exam. Right. Sir, now, if schools do not open in West Bengal till the month of July, sir, we as normal human beings are bound to feel, jealous, or bound to feel as if other people are being allowed to go to the centers and allowed to sit for the exams. But we will not be allowed to sit for the exams because of this situation in West Bengal. Sir, us case mein, as students, what could we do, sir? बहुत बढ़िया। मैं इस क्वेश्चन को भी रिजर्व रख रहा हूँ, बोलूंगा लास्ट में, बोलूंगा मैं इस पर, मैंने लिख लिया। अभी मेरे माइंड में पहले से था, थ्री इडियट्स का डायलॉग है ना, कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो बहुत ज्यादा दुख होता है। हाँ जी सर, उस पर बिल्कुल चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल एकदम वैलिड ह्यूमन डाउट है भाई ये। ऋषभ, आखिरी आप ही बचे हैं, ऋषभ जी। हेलो एवरीवन, सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हरियाणा से हूँ, तो मेरा मेरे फ्रेंड किसी ने बताया कि कंसर्न यही है कि एक तो अगर मैं ऑप्ट इन कर लेता हूँ तो मेरा अगर जोन अभी क्लियर है, बट इन केस अगर फ्यूचर में कुछ होता है तो प्रॉब्लम हो सकता है। आप जैसे बता रहे हैं कि ऐसे हमें नवंबर में दोबारा पता है उस चीज से, तो एक मेरा डाउट यही था। तो दूसरा ट्रेवलिंग बहुत बड़ा रीजन है कि 1.5 hours का डिस्टेंस है मेरे यहाँ से सेंटर, और उसके अलावा आसपास कोई सेंटर नहीं है एटलीस्ट 3 hours तक। सो इट कुड बी अ बिग रीजन कि मैं अगर वो सेंटर कैंसिल होता है तो मैं दूसरे कोई सेंटर पे ऑप्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि 3 hours इन सिंगल डे ट्रेवलिंग बोथ साइड 6 hours नॉट पॉसिबल। और इसके बाद सर एक छोटा सा इशू है, इट कुड सीम्स फनी, बट एक ये है कि जैसे अभी ICA अगर फिजिकली एग्जाम कंडक्ट करवाता है तो जो हमारी आंसर शीट्स और एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स आएंगे वो किसके हाथ से थ्रू आ रहे हैं वो हमें नहीं पता, और उसका एक पूरा बंडल पूरी क्लास को जाएगा, तो वो पूरी क्लास को इंपैक्ट कर सकता है अगर एक बंडल में किसी में भी कुछ केस आया तो, और उसको हम सैनिटाइज नहीं कर सकते वो पेपर को। एंड पीपल यूज टू बी हैबिट कि वो दे टर्न द पेपर बाय यूजिंग समथिंग लाइक थंब और इन द माउथ कुड क्रिएटिंग प्रॉब्लम ना। ये बिल्कुल भी फनी नहीं भाई, बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपका, और बिल्कुल एकदम, मतलब ये आदत है, ह्यूमन आदत है यार, और ऑब्वियसली पेपर बटेगा वो सब जगह पे जाएगा, इवन जब पेपर जहाँ से उठा के लेके जाएंगे जो बंडल्स वगैरह, ये इशू है, बिल्कुल है। लिखित और मिहित, मैं एक एक मिनट आपको देता हूँ, जल्दी जल्दी बोलिए, फिर उसके बाद कंक्लूड करते हैं इसको। जिंकेश तुम्हारे एग्जाम में तुम रुक जाओ, बिल्कुल रुक जाओ। हाँ जी लिखित, जल्दी से प्लीज। Sir, you have said that if you have affected during the exam and your attempt will not be counted and you will be upgraded to November 2020. But what if I have written 3 papers and for remaining 6 papers, I am not 5 papers, I am not able to write due to COVID. But see here, my effort of 3 papers are wasting because they are not counting my. So what will happen? Whether they will correct the papers or they will scrap the papers? Valid question, very valid question. आई थिंक मुझे भी इस पे पहले क्लैरिफिकेशन लेनी पड़ेगी। हो सकता है आप किसी पेपर में एग्जाम में 60 प्लस स्कोर कर रहे हो तो आप दोबारा क्यों अप्लाई कर रहे थे। वेरी वैलिड क्वेश्चन, मैं इसको लिख लेता हूँ, ठीक है।
ओके मिहित जल्दी से बोलना भाई, बिल्कुल एकदम शॉर्ट में और एकदम बढ़िया तरीके से। सर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर इंस्टीट्यूट एग्जाम ले या ना ले। I am absolutely in the favor of decision by the institute and I believe everybody should be. But having said that, sir, प्रॉब्लम ये होती है जो कि जैसे ये opt-in या opt-out वाला जो डिसीजन इंस्टीट्यूट ने हम पर छोड़ा है, सर आप जैसा बोल रहे हो जो कि हम वी शुड डिले द डिसीजन ऑफ opting out और opting in द एग्जाम, so what if there is no alternative or no second opportunity given by the institute in the coming days to come, or then what happens in that case? To opt in or to opt out? No, if in case we decide to just delay the decision, like it's a very short time that the institute has actually given us. Right, just a matter of 2 or 3 days. Right. And in case aaj agar main maan leta hu situation is very bad in my district, but in case somehow things improve and I think I can sit for the exam. Right. Or if situation worsens, we do not know what might happen because of the uncertainty we are actually in right now. Right. Sir, what is the guarantee or what is the certainty that the institute would give us an opportunity to decide to opt out or opt in of the exam in the coming days? Right. Short time दिया गया है, ये point मैं सबसे पहले raise करूँगा आज क्योंकि ये 2 दिन का ही time है, तो I think हमें इसे focus करना चाहिए ताकि मैं time किसी तरह 25 जून 26 जून तक ले जा पाए, कम से कम 10 दिन का हमें समय मिलना चाहिए, right? Mehit? मोहित है और प्लीज इसके बाद मुझे बोलने दीजिएगा, मैं कंक्लूड करना चाहूंगा इस सेशन को, काफी देर हो गई हमें, लगभग भाई 53 मिनट हो चुके हैं अगर आपको एहसास नहीं है तो। प्लीज मोहित। हाँ जी सर, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा लेकिन मेन जो प्रॉब्लम है ना वो एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन का है। एक चीज पाने के लिए दूसरी चीज हमको खोना पड़ेगा सर। यदि अब जैसे सेंटर हमारा जो नियरेस्ट सेंटर है वो कम से कम 1.5 से 2 घंटे का रास्ता लेता है सर, तो यदि यहाँ घर से हम सारे जो रूममेट्स हैं वो गाड़ी लेके जाए घर की, तो सर उसमें टाइम वेस्ट होगा। और सर साल भर कितना भी पढ़ लो लास्ट का जो वही। और सर दूसरा यदि एकोमोडेशन को अपन आउट करें कि अपन रिलेटिव्स के यहाँ रुक जाएं, तो सर वो सुटेबल नहीं लगता क्योंकि उनके हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। तो सर इसीलिए आपका सजेशन चाहिए था कि क्या करना चाहिए। ठीक है, अब मैंने सबकी बात सुन ली। एक पॉइंट सर, एक सिंगल पॉइंट, जल्दी बोलो भाई। हाँ, सब सिंगल करके दोबारा शुरू हो जाओगे प्लीज। हाँ, सर एक आपने एम्पैथी के बारे में बात किया कि एम्पैथी रखनी चाहिए जो लोग एग्जाम नहीं दे सकते। मैं खुद क्योंकि मैं खुद ससेप्टेबल हूँ कि नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं खुद रेड जोन में हूँ, तो इसमें मेरा पर्सनल गेन नहीं है कि मैं ICAI के फेवर में बोल रहा हूँ। Right. जो लोग दे सकते हैं मैं उनके फेवर में बोल रहा हूँ। राइट right. नहीं बिल्कुल ठीक है दोस्त, मतलब आप उनके प्रति एम्पैथी रख रहे हैं जो दे सकते हैं, तो एम्पैथी तो रख ही रहे हैं ना। ओके सर, मैं I would like to ask another. Sir, एक question आपसे पूछना चाहता हूँ from an administration point of view. मैंने ये आपसे Twitter पर भी पूछा था। हाँ, please. Sir, I mean, this is out of track and not actually relevant to the issue at hand. What actually stops the institute from postponing the exams? Just asking from an administration point of view. That's the question, my boy. ये question आपने बहुत सही पूछा कि ICAI को ऐसा क्या है जो भाई उठा के ये नहीं बोल सकता कि नवंबर में। Right? Yes, sir. इसी से शुरुआत करता हूँ। जो मुझे लगता है कि ICAI ने इसे नवंबर में शिफ्ट नहीं किया, कारण नंबर एक ये है भाई कि मुझे ऐसा लगता है, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, लगभग लगभग 5,000 से 10,000 बच्चों के बीच में ऐसे हैं जो सर क्वेश्चन जो है पेपर देना चाहते हैं। मैं बोल रहा हूँ 90% बच्चे ऐसे होंगे जो पेपर नहीं देना चाहते। अब आप 1,00,000 बच्चे भी अगर पेपर देना बैठता है फाउंडेशन इंटरमीडिएट और फाइनल का, मेरे ख्याल से 1,00,000 से ज्यादा ही हो जाएगा तीनों का मिला के, अगर उसका 10% बच्चा भी हम निकालें, 10% भी अगर निकालें तो वो थाउजेंड्स में जा रहा है। राइट, 10,000, 11,000, 12,000 के आसपास जा रहा है। तो उन बच्चों के लिए ICAI अपने गेट कैसे बंद कर दे, फिर वो वहां से चिल्लाते आप लोग ये गलती पता क्या हुई है, ये जो हमने बहुत ज्यादा हल्ला मचाया है ना चीज का, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ICAI को लग रहा है कि भाई मैं अगर किसी को रोकूंगा पेपर देने से, बिलीव मी ये उनके दिमाग में होगा, तो भी तो डिस्क्रिमिनेशन होगा। पॉइंट वन। पॉइंट टू, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे पता चला, जो मेरे को समझ में आया, ये मुझे उन बच्चों ने बताया जो पेपर देना चाहते हैं। वो कह रहे हैं सर हमने जनवरी में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल देवर प्रिपेयरिंग, अब हमें अगर नवंबर में एग्जाम देने पड़ गए तो हमारा प्रिंसिपल हमें छुट्टी नहीं देगा। ये प्रॉब्लम इंटरमीडिएट वालों के साथ नहीं है, लेकिन जो सीए फाइनल वाला बच्चा है जो छुट्टी लेने बैठा था, वो कह रहे हैं सर नवंबर में मैं अपने प्रिंसिपल से दोबारा अगर छुट्टी मांग लेता हूँ, मेरे 4 महीने 5 महीने की छुट्टी लगा देगा, के बाद में सीए बनने के बाद 5-6 महीने वहां पे आर्टिकल सर्व करूंगा जिससे मैं कैंपस में नहीं बैठ पाऊंगा, जिससे मैं आगे अपनी जिंदगी शुरू नहीं कर पाऊंगा। सो आप समझ रहे, दो मोटे रीजन जो मुझे समझ आते हैं। राइट, तीसरा रीजन जो मुझे समझ आता है, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मिहित इस पूरे कंक्लूजन को करने के लिए। तीसरा रीजन भाई जो मुझे समझ आता है, यार ICAI तो कहता है भाई हार मत मानो, और ICAI गिव अप करके बैठ जाए।
आईसीए गिव अप करके बैठ जाए तो ये एक रॉन्ग एग्जांपल सेट होगा। आईसीएसआई ने थोड़ा अच्छा स्टैंड ले लिया शुरुआत में कि भाई हमने जल्दी से पोस्टपोन कर दिए, अल्टीमेटली वो भी लोग भी क्या करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आईसीए का माइंड में ये भी होगा कि हम लोग गिव अप नहीं करेंगे, उन बच्चों को जरूर मौका मिले, जो बच्चे पेपर देना चाहते हैं वो जाके दें, जो नहीं देना चाहते हैं और जिस तरीके से हमने गलत तरीके से कुछ चीजें प्रेजेंट भी करी ट्विटर पे, उससे भी उनके पीछे बैक ऑफ द माइंड में चीजें रही होंगी। एनीवेज अब और पॉइंट्स नहीं लेते मैं, तो मैं कंक्लूड करता हूं दोस्तों को, ठीक है, मैं कंक्लूड करता हूं, बहुत देर हो जाएगी नहीं सर। हां जी सर, आपके पॉइंट को ही ऐड करना चाहता हूं, आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू इन द मिडिल सर। आई एम टू सिट फॉर द एग्जाम्स इन द मंथ ऑफ जुलाई, हाउएवर आई हैव डिसाइडेड आई विल नॉट सिट फॉर द एग्जाम्स बिकॉज़ ऑफ द सिचुएशन इन माय स्टेट, ऑल्दो आई एम इन फेवर ऑफ द डिसीजन दैट द इंस्टीट्यूट हैज टेकन, बट बिकॉज़ सर आई समवेयर फील दैट वी एज स्टूडेंट्स और द टॉर्च बियरर्स ऑफ द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, वी हैव टू गाइड पीपल एज टू हाउ यू हैव टू लिव विद द वायरस, बिकॉज़ दिस इज नॉट गोइंग वेरी सून, आई डोंट थिंक अंटिल अनलेस वी हैव अ वैक्सीन फॉर द वायरस वील हैव अ सॉल्यूशन फॉर इट, सो वी कैन नॉट जस्ट लेट एवरीथिंग टू जस्ट स्टॉप एंड जस्ट स्टे बैक एट होम एंड लिव लाइफ विदाउट एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी और एनी अदर अनएसेंशियल एक्टिविटी। आई एम इन द फेवर ऑफ द इंस्टीट्यूट टेकिंग एन एग्जाम, but it is quite, I mean, I just wanted to understand as from an administrative point of view that what could be actually going behind the brains or behind the curtains as to what is the thought process of not postponing the exam, that is the reason I asked the question, right. I think maine reasons aapko bata diye aur isme main thank you sir, ek baat main aur add karta hu guys, aap ye dekhiye koi bhi vyakti abhi लॉकडाउन हुआ था तो नरेंद्र मोदी जी को इस बात का क्रिटिसिज्म मिला, पहली बात भाई मेरा किसी पार्टी से कोई एफिलिएशन नहीं है, कांग्रेस वाले सोचते हैं बीजेपी में हूँ, बीजेपी वाले सोचते हैं कांग्रेस में हूँ, और आम आदमी वाले कंफ्यूज रहते हैं कहाँ पे। सो मैं आपको एक जेनरिक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, मोदी जी ने अभी लॉकडाउन किया था हमारे प्रधानमंत्री ने, तो एक महीने में सब लोग उनको क्रिटिसाइज करने लग गए कि इकोनॉमी की ऐसी तैसी हो गई, मतलब मैं थोड़े वर्ड्स गलत यूज कर रहा हूँ, रियली सॉरी फॉर दैट, बट ऐसा ही बोला गया था कि आपने इकोनॉमी को डुबो दिया, आपको कुछ नहीं पता इकोनॉमी के बारे में, आपने बंद कर दिया, राइट right. अब मोदी जी ने लॉकडाउन खोल दिया दो महीने बाद, अब उन्हें इसलिए क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि आप लॉकडाउन खोल क्यों दिया। तो आप ये देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ आईसीए के साथ नहीं है दोस्त, ये प्रॉब्लम सबके साथ है, और अब ये कोशिश की जा रही है कि जो आपने मीत ने बात बोली कि वी शुड लर्न टू लिव विद द वायरस, वी शुड लर्न टू लिव विद द वायरस, बट अब मैं अपने कुछ कंक्लूजन देने की अब शुरुआत करता हूँ भाई, जो मुझे लगता है। देखो भाई मेरी एक एक चीज पे मैं डटा हूँ, डटा रहूंगा, जिंदगी पे दाव लगा के पेपर देने ना जाएं, प्लीज ना जाएं, इट्स नॉट वर्थ इट, भूल जाओ, इट्स नॉट वर्थ इट। अगर आपके मोहल्ले में आपके आसपास सिचुएशन सही नहीं है, भूल जाओ। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि मेरा दोस्त जो दिल्ली में है वो पेपर दे रहा है, मेरा दोस्त जो सिटी में वो पेपर दे रहा है, मैं पेपर नहीं दे रहा हूँ। बिलीव मी गाइज, आपके 6 महीने ये सीए कोर्स, भाई सीए कोर्स में रैगिंग पता क्यों नहीं होती है, क्योंकि नहीं पता कब कौन किसका सीनियर बन जाए, है ना। तो मतलब ओके जोक्स अपार्ट, मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। मैंने अपना पहला अटेम्प्ट, पहला सीए का मेरा अटेम्प्ट था, जिसे बोलते हैं CAPE 1 का अटेम्प्ट, मैंने वो छोड़ दिया था। मैंने बेवकूफी करी थी, वो मैंने वो छोड़ दिया था। उस समय कोई ऐसा भाई कोविड वगैरह नहीं था, अपने बचपन के दुखों की वजह से वो छोड़ दिया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरे बहुत सारे दोस्त जिन्होंने वो अटेम्प्ट दिया था जो पास भी हुए थे, वो मेरे बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, कहीं आज भी कोशिश कर रहे हैं। सो इस बात से आप बेफिक्र रह जाए, ये आपका सिर्फ एक साइकोलॉजी आपको रोक रही है। मैं आपको दो कंक्लूजन यहाँ पे दे रहा हूँ। नंबर वन, प्लीज हेल्थ को इंपॉर्टेंस दें, एग्जाम्स को नहीं। प्लीज फॉर गॉड सेक हेल्थ को इंपॉर्टेंस दें, एग्जाम को नहीं। नंबर टू, आपको दोस्तों को देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हर किसी की अपनी अपनी मजबूरी है। फॉर एग्जाम्पल, भगवान ना करे किसी स्टूडेंट के साथ कोई रेस्पिरेटरी इशू है, उसे एस्थमा है या और कोई उसे बीमारी है जो कोविड के साथ मिलकर उसको नुकसान पहुंचा सकती है, आप समझ रहे मेरी बात को, राइट। तो मैं उस बच्चे को भाई कैसे बोल दूं तू एग्जाम देने जा, मत जाना, राइट। और जितने भी लोगों ने कैंसिलेशन को फेवर किया, मैंने ना कैंसिलेशन को फेवर किया, मैं तो बोलता था नोटिफिकेशन निकालने दो उसके बाद बात करेंगे, मैंने ना कैंसिलेशन के सपोर्ट में था ना एग्जाम के सपोर्ट में था। अब सर कैंसिल कर दिया आईसीए ने, आप सोच लो आपके लिए एग्जाम कैंसिल कर दिया, आपके लिए स्टेटस वही रहेगा, आप पेपर दो ना दो बात बराबर है, सिर्फ आपके मन में सिर्फ एक शंका है कि मेरा दोस्त क्यों पेपर दे पा रहा है और मैं पेपर नहीं दे पा रहा हूं। तो जो लोग कैंसिलेशन के लिए बहुत ज्यादा लड़ाई कर रहे थे, मुबारक हो सर, आपके लिए तो पेपर कैंसिल हो गए, आपके सारे बेनिफिट्स कैरी फॉरवर्ड कर दिए गए हैं, राइट। ये दो तीन कंक्लूजन मेरे माइंड में है। अब भाई ये बात कि आईसीए पेपर लेगा या नहीं लेगा, ये अभी भी अनसर्टेन है, ये तब तक सर्टेन नहीं हो सकता जब तक सर जुलाई ना आ जाए, बल्कि 10-15 जुलाई ना आ जाए, राइट। और अब मेरे पास ये कॉन्क्लूजन थे, मैंने आपको बताए, और इसको बिल्कुल ऐसे मत सोचिए डिस्क्रिमिनेशन है। जो लोग चिल्ला रहे थे कैंसिलेशन कैंसिलेशन कैंसिलेशन, आईसीए ने सिर्फ दोनों चीज आपके सामने ला के रख दी, भाई जिसको कैंसिलेशन चाहिए वो कैंसिलेशन ले ले, जिसको पेपर देने वो पेपर दे ले।
मैं आपको डिसीजन मेकिंग में ये मदद कर सकता हूँ कि प्लीज जब भी डिसीजन मेकिंग करें, हम जब डिसीजन मेकिंग करते हैं वी टेक सर्टेन फैक्टर्स इनटू अकाउंट, जैसे हम कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम देखते हैं फाइनेंशियल्स कैसे हैं, तो वो फैक्टर्स आपने इस समय क्या कंसिडर करने हैं, प्लीज कंसिडर योर हेल्थ एंड योर फैमिलीज हेल्थ, उसके बाद आप कोई डिसीजन। और मैं ये सजेस्ट करूंगा ऑप्ट आउट मत करो, भी ऑप्ट आउट मत करो, पेपर देने के अपने फॉर्म भर रखे, अपना साइनर चेंज कर लेना, बैठे रहना, देखेंगे क्या होगा, क्या पता आप ये सोचो इस बात की भी प्रोबेबिलिटी, आई से बोले एग्जाम नहीं हो रहे, हम तो नवंबर में ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गए, क्या पता आज आपके मोहल्ले में सही नहीं हो रही है, थोड़े समय बाद चीजें सही हो जाए, आप सही। और एक कंक्लूजन और, आई थिंक हमें यूनैनिमसली एग्री करना चाहिए कि सर पढ़ाई तो करनी है, अब कम से कम 7 जुलाई तक तो हम उठेंगे नहीं, 7 जुलाई को हंगामा करेंगे ट्विटर पे आके फिर से, तब तक शांति एकदम, ठीक है ना, कम ऑन सर। एक चीज में मैं सपोर्ट करूंगा आप लोगों को बिल्कुल, कि भाई आईसीए ने समय बहुत कम दिया हमें, बहुत ज्यादा कम समय दिया है, हम इसके लिए जरूर बात करेंगे आईसीए से, मैं आज भी एक वीडियो बनाकर डालूंगा, इवन मैं मेल भी डालूंगा क्या बच्चों को कम से कम वो ऑप्ट इन कर पाए, ऑप्ट आउट कर पाए, जो भी उनको करना कर पाए, राइट। एक चीज मैंने और लिखी है, उसमें मैं अलग से एक वीडियो और अब आपको एग्जाम नहीं देना, दोस्तों की चिंता ना करें, समझ सकता हूँ, मुझे भी उस टाइम पे लगता था सब अलग अलग टाइम पे चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, कोई मुझसे पहले बन गया, किसी मेरे बाद गया, अब सब अलग अलग टाइम पे चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट। आई थिंक चीजें क्लियर हैं बिल्कुल। यस सर, मैं सिर्फ आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ फॉर लेटिंग मी इनटू दिस कन्वर्सेशन, बिकॉज अब सबका पॉइंट, सबके प्रॉब्लम सुनने के बाद ना सर, मुझे मेरी प्रॉब्लम बहुत छोटी लगने लगी है। तुम्हारी कुछ प्रॉब्लम नहीं है नालायक दोस्त। सही ना कि मैंने अभी एग्जाम फॉर्म फिल नहीं किया, तो नवंबर में बैठने देंगे या नहीं देंगे? गौरव गगन, तो मैं ये चाहूंगा की सी फाइनल का ओल्ड कोर्स का एक अटेम्प्ट और बढ़ाया जाए, क्योंकि मैंने नवंबर 20 के लास्ट पर ऐसा नहीं होने देंगे, वैसा नहीं 21 तक ले जाएंगे, आईपीसीसी वालों को तो फॉर श्योर बढ़ गया है, राइट। चलिए आई थिंक सारी बातें हम सारे कर रहे हैं, एंड एक डिक्लेरेशन दे दो भाई, वी ऑल आर भाई, वी पार्टीज, मैंने किसी को पैसे देके बुलाया है और मुझे पहले से नहीं जानता, एक्सेप्ट तनिष्क, तनिष्क बुलाया कि स्टूडेंट, तनिष्क मुझे याद आ रहा है क्लास कॉलेज वाला बैच का एक लव्य आता है। यस सर, आई वाज इन द अनाउंस कॉलोनी बैच। चलिए कंटिन्यू, हेलो, इसको कंक्लूड करते हैं। सबको सक्सेस, जो भी एग्जाम दे रहे हैं, जो नहीं दे रहे हैं वो मेरे साथ नवंबर में देंगे, एंड आई जस्ट विश बी मोटिवेटेड एंड हैप्पी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और ये वीडियो अगर मुझे सही लगा तो मैं जरूर शेयर करूंगा यूट्यूब पे, अदरवाइज ऐसे मैं अपने पास रखूंगा, मुझसे जिद मत कीजिएगा सर वीडियो दे दो, वीडियो दे दो, ये मेरी याद बन कर, राइट। We love you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, tagline. हाँ, और हाँ, सीखते रहे, क्योंकि सीखना बन तो जीतना बन। Thank you, sir. Bye, bye. Thank you, sir. Bye, bye.